जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप भी SSC GD कॉन्स्टेबल के अभ्यर्थी हो, दोस्तों आपको जैसा कि बताया 14 जनवरी हो चुकी है, और 14 जनवरी तक का जो मेडिकल रिपोर्ट का जो सर्वे है वो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि आखिरकार कितने अभ्यर्थी यहाँ पर, कितने परसेंट अभ्यर्थी मेडिकली फिट हो रहे हैं और कितने अभ्यर्थी यहाँ पर मेडिकली अनफिट किए जा रहे हैं। साथ में 14 जनवरी तक कितने कैंडिडेट यहाँ पर मेडिकल फिट हुए, साथ में लाइव कवरेज हम सुनाने वाले, आप अपने कानों से यहाँ पे सुन सके। आपको खुद अभ्यर्थी बताएगा जो मेडिकल दे के आया। दोस्तों, अलग अलग पे सेंटरों पर आपका मेडिकल चल रहा है, फाइनल मेरिट लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी नहीं बढ़ने वाले, विद प्रूफ में आपको जानकारी भी देने वाला हूं। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा सर्वे, भारत का सबसे बड़ा सर्वे इसे मान सकते हो। तो यहां पर ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि यहां पर हम सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले, और साथ में वो आपको लाइव अपडेट भी इस वीडियो में सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, इतने ही अभ्यर्थी यहां पर मेडिकल फिट हो रहे। दोस्तों, अलग अलग आपके सेंटरों में मेडिकल चल रहा है। कई सेंटर ऐसे जहां पर मेडिकल बहुत ही ज्यादा टफ हो रहा है, मतलब आर्मी की तरह मेडिकल हो रहा है, जैसे असम राइफल है, जैसे एसएसबी है, उनमें यहां पर मेडिकल हो रहा है। तो 30 में से मात्र 5, 7, 8 बंदे यहां पर मेडिकल फिट हो रहे। जबकि बीएसएफ की बात करें तो बीएसएफ में यहां पर एवरेज आपका मेडिकल का रेशियो निकाले सभी सेंटरों का, फोर्सों का, तो यहां पर आपका रेशियो बनता है 40% अभ्यर्थी मेडिकली अनफिट हो रहे। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा सर्वे। अब मैं आपको सुना देता हूँ एक अभ्यर्थी के द्वारा बताएगी वो सारी बातें जो मेडिकली पिट होकर है, और उनके सेंटर में, उनके बैच में कितने अभ्यर्थी यहां पर मेडिकली पिट हुए। साथ खास तौर से फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट के लिए यहां पर बड़ी खबर हम इस वीडियो में बताने वाले। वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक आप जरूर बने दीजिए, साथ वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ले, साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों, एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल की रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आता है, कोई भी नोटिस आता है, तो उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलो दोस्तों, देखते हैं सारी जानकारी। हो गया आपका? हाँ, हो गया। अच्छा, कौन से सेंटर में था? बीएसएफ कैंप में था, अपना कल्याणी नदिया बीएसएफ कैंप। अच्छा, कौन से स्टेट में? वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में। अच्छा अच्छा, आप पास हो गए? हाँ, पास हो गए। अच्छा अच्छा, कितने अभ्यर्थियों को बुलाया था एक दिन के लिए? एक दिन के लिए आपका टोटल में उन लोग लड़का लोग था 200 का, और हम लोग लड़की थे 60 में। 60 में अंदर 5 लड़कों को घर में भेज दिया था, उसको डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम था, इसलिए उन लोगों को 5 दिन का टाइम दिया। अच्छा, कितने बंदों को भेजा डॉक्यूमेंट के लिए? 5 बंदे को भेज दिया था। अच्छा अच्छा, मेडिकल में क्या क्या हुआ आप बताइए शुरू से। आप 7:30 बजे आप एंट्री 7:30 बजे हुई थी सुबह? हाँ हाँ, हम लोग एंट्री 7:30 बजे में हो गई, तो वहाँ पर जाके बैठा रहा, बहुत देर डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे। 11 से 12 के बीच तक भी डॉक्यूमेंट चेक किया सब लोगों को, एक सेट बना रही थी उन लोग, पूरा लोग को सेट करके उसके बाद भेज रही थी। उसके बाद एक बजे के अंदर हम लोग का मेडिकल स्टार्ट हुआ था। अच्छा, पहले दिन लास्ट टेस्ट 1 बजे स्टार्ट हुआ था मेडिकल। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ मेडिकल में? सबसे पहले खून और यूरिन टेस्ट किया था। अच्छा, उन लोगों ने यूरिन और एक्सरे हुआ था? एक्सरे नहीं, एक्सरे दूसरे दिन हुआ था। एक्सरे दूसरे दिन हुआ था आपका? हाँ। अच्छा अच्छा, तो फिर उसके बाद में आपके मेडिकल में कितने बंदों को यहाँ पर मेडिकल एनफिट किया गर्ल्स में? हम लोगों का अंदर 39 क्वालिफाई किया था, और बाकी 16 लड़कियों को एनफिट कर दिया था। पहले दिन 9 तारीख को बैच में 17 को अनफिट किया था। और बॉयज में, लड़कों में कितने को अनफिट किया मेडिकल में? लड़कों के हम लोग को 110 था पहले दिन को। अच्छा। 87 को क्वालिफाई किया था, बाकी बंदे को नॉट क्वालिफाई किया था। उन लोग ही बोल रहे थे जस्ट 87 लड़कों को क्वालिफाई किया, बाकी बंदे को 87 लड़कों को शायद अनफिट किया था, 23 लड़कों को अनफिट कर दिया था। 110 थी पहले दिन में। अच्छा अच्छा, मेडिकल में कौन कौन से पॉइंट्स बन रहे थे, कौन कौन से पॉइंट्स पे बाहर कर रहे थे लड़कों को? नौकनी और एक लड़की का, हम लोग एक लड़की का टैटू के लिए बाहर निकला था, एक को टैटू और एक कार्डियो प्रॉब्लम था, कार्डियो वाला। अच्छा। जो एक से वगैरह में उसको निकला था। अच्छा। और बीपी में एक बंदी को बीपी में, और नौकनी और आंखों में। अच्छा, आंखों वाले जो आपका टैटू होता है, तो टैटू में डायरेक्ट ही बाहर करते हैं या फिर एक बार रीमेडिकल उनका भी होगा? रीमेडिकल उन लोग रेफर करेगा तो होगा, सबको रीमेडिकल के ट्राई कर दे बोल रही है उन लोगों ने। अच्छा, रीमेडिकल होगा सभी का? हाँ। अच्छा अच्छा, फिर तो अच्छा हुआ आपका मेडिकल, ज्यादा टफ तो नहीं हुआ, ज्यादा बाहर नहीं। आप फिट हो गए? हाँ, हम फिट हो गए। अच्छा, गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन।
थैंक यू। अच्छा अब तो मेट का इंतजार है फिर तो। हाँ मेरिट कब तक निकलेगा तो हमको समझ में नहीं आ रहा कब निकलेगा। अभी टाइम लगेगा मेट में, क्योंकि अभी आपका मेडिकल चल रहा है, फिर उसके बाद में जो बंदे मेडिकल अनफिट हो रहे हैं ना उनका रीमेडिकल होगा, फिर एक सेकंड लिस्ट भी तो आई है ना, उनका भी फिजिकल होना है और हाँ उनका भी मेडिकल होना है। लगभग आप मान के चलो 4 महीने 3 महीने आराम से लग जाएंगे। अच्छा, इतने टाइम तो ठीक है, तो दूसरा तैयारी कर लेंगे, ये वाला तो माथा से निकल गए। हाँ, अच्छे दूसरे की तैयारी कर लो ना। हाँ दिक्कत क्या है, उसकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी तो। कितने नंबर आपके? मेरा तो कट ऑफ से 5 ज्यादा है, मेरा नॉर्मल से नंबर घट गया था। अच्छा तब हो जाएगा आपका, आराम से हो जाएगा। 5 नंबर ज्यादा लड़कियों की ज्यादा नहीं बढ़ेगी वैसे भी, क्योंकि अगर पहले आप जा रहे हो तो 2.5 गुना अभ्यर्थियों को तो यहाँ पर बुलाया है, ठीक है। फिर मेडिकल भी तो अनफिट हो रहे हैं, 30-35% तो मेडिकली अनफिट हो रहे हैं। अच्छा आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट ज्यादा नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि वैकेंसी भी तो बढ़ा दिया ना एसएससी ने फिर से 10,000। अच्छा, हाँ एससी कैटेगरी को है, देखते हैं कितना बढ़ता है हाँ ज्यादा और नहीं उसके बारे में भी बढ़ेगा। ट्राई करेंगे। अच्छा, थैंक अच्छा यू सर। ओके जी, ओके वेलकम।